भारतीय जनता पार्टी ने आज 25 जून को जिला स्तर पर आपातकाल के विरोध में काला दिवस मनाया। 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के विरोध में भाजपा काले दिवस के रूप में मना रही है। मुख्य अतिथि के रूप में पंचायती राज कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 25 जून 1975 में देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था, जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो 21 मार्च 1977 तक लगी रही। 25 जून 1975 में जो आपातकाल घोषित किया गया था, जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है, उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे, इसे आजाद भारत का सबसे विवादास्पद दौर भी माना जाता है। वहीं अगली सुबह यानी 26 जून को समूचे देश में रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में आपातकाल की घोषणा के बारे में सुना। आपातकाल के पीछे कई वजह बताई जाती हैं, जिसमें से एक है 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने आपातकाल में जो सेनानी जेल गए थे उनको फूलमालाएं और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। आपातकाल सेनानियों में हरस्वरूप सिंह, सुरेश देवी, रघुवीर सिंह, कुसुम लता, गीता रानी, अनु देवी, जसवंत सिंह, भागीरथी, मनोहर सिंह, सूरज सिंह, चुन्नी सिंह, मोहम्मद यासीन रहे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा, परमेश्वर लाल सैनी, अनिल चौधरी, राजन विश्नोई, हरज्ञान सिंह, चंद्रपाल सिंह सैनी, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, अंशुल गुप्ता, लवली यादव, डॉक्टर विश्वास शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज ही के दिन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा लोकतंत्र का दमन करके काला दिन रूप में आज आपातकाल लगाया था। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मुख्यालयों पर लोकतंत्र सेनानी, रक्षक सेनानी जो हैं, उनके परिवार हैं, उनका सम्मान कर रही है। आज मुरादाबाद में भी दो इकाइयों के द्वारा, मुरादाबाद महानगर और मुरादाबाद जिला के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है। मुरादाबाद जिले में 21 ऐसे लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सम्मान किया गया है, और हम सब लोग लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और जिस प्रकार का लोकतंत्र का दमन करने का काम आज के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने किया था, उसका जागरण, जन जागरण हम लोग कर रहे हैं।